सो किस फाइनली गाइस गेम के अंदर आ चुका है अपना एक न्यू लक रॉयल, जिसके अंदर गाइस है अपना ये ओपी वाला बंडल जिसका नाम है डिजिटल डैशर बंडल। और गाइस ये बंडल मैंने आपको पहले भी दिखाया था, बट गाइस आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग इस बंडल को निकालने की सोच रहे हो तो यहाँ पे आपका कितना डायमंड लगेगा। अभी मैं आपके सामने स्पिन भी करूँगा। ओके, सबसे पहले कैसे यहाँ पे देख लो, कैसे ये बंडल मेरे पास पहले से है, कुछ इस टाइप का बंडल है। आप लोग अच्छी तरीके से देख लो और बताना कैसे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये बंडल पसंद है या फिर नहीं। तो चलो कैसे सिंपली यहाँ पे चलते हैं लक रॉयल के अंदर और करते हैं स्पिन, देखते हैं कैसे यहाँ पे। और कैसे यहाँ पे देखो, एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे जो टोकन वाला भी सिस्टम है, मतलब कि आप स्पिन करोगे तो या तो डायरेक्टली आपको बंडल मिल जाएगा या फिर ग्लूबल या फिर कैसे ये टोकन, और इस टोकन की मदद से आप लोग जो यहाँ पे बंडल को एक्सचेंज भी कर सकते हो। ठीक है, मालूम है तेरा बाप को, मत सिखा चल। ओके, सो गाइस यहाँ पे देखो गाइस सिंपल सा हम लोग करते हैं स्पिन। यहाँ पे एक स्पिन का लगेगा 40 डायमंड और गाइस यहाँ पे 10 स्पिन का लगेगा 400 डायमंड। तो सिंपल सा गाइस यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 1 वाला स्पिन और देखते गाइस अपने को क्या मिलता है। ओके एंड भाई कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, क्या मिल गया? ओ भाई लोल भाई, यहाँ पे टोकन मिलने भी कॉन्ग्रेचुलेसन, ये तो भाई अलग ही टाइप का स्कैम है। बट कोई ना गाइस, जो भी है सही है। यहाँ पे मुझे आई थिंक एक टोकन मिला भाई, एक टोकन में भी कॉन्ग्रेचुलेसन, ये क्या ही स्कैम है। चलो कोई ना गाइस, यहाँ पे देखो लास्ट टाइम पे मैं करता हूँ 400 डायमंड का स्पिन। सिंपल से यहाँ पे स्पिन करेंगे और फिर से गाइस आ चुका है कॉन्ग्रेचुलेसन, फिर से एक टोकन भाई, ये तो बार बार कॉन्ग्रेचुलेसन लिखाएगा। ओके फिर से एक भाई, भाई लोल, ओ भाई लोल ओपी भाई। यहाँ पे देख सकते हो गाइस मुझे बंडल मिल चुका है, जबकि मेरे पास बंडल पहले से था। तो यहाँ पे गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों को स्पिन करना है तो आप सिंपल सा 10 वाला स्पिन करना, मतलब कि 400 डायमंड का एक बार, क्योंकि उसमें चांस रहता है कि या तो डायरेक्ट आपको बंडल मिल जाएगा या फिर ग्लोबल का स्किन कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भाई मेरे को देख सकते हो फेस प्रिंट भी मिल चुका है, काफ़ी सही। तो यहाँ पे गाइस बंडल मिला जो कि काफ़ी अच्छी बात है, बट मेरे लिए उतना अच्छा नहीं है क्योंकि बंडल मेरे पास पहले से था। तो यहाँ पे सिंपल से गाइस देख सकते हो मुझे बंडल भी मिल चुका है और फेस प्रिंट भी मिल चुका है। ओके, तो गाइस यहाँ पे टोकन जो है वो एक एक करके मिला जो कि काफ़ी ख़राब है। बट गाइस यहाँ पे देखो बंडल मुझे मिल चुका है 400 का स्पिन पे। तो गाइस यहाँ पे देखो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आपको यहाँ पे बंडल निकालना है तो सिंपल सा आप जो है 400 वाला स्पिन करो, एक दो बार करोगे तो जाहिर सी बात है आपको बंडल या फिर ग्लोबल का स्किन कुछ तो मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पे करीब आप लोग 1500 के आसपास डायमंड उड़ाओगे तो आप जो है सारे रिवार्ड को ले सकते हो टोकन की मदद से। देख सकते हो 50 टोकन पे जो है आप बंडल को एक्सचेंज कर पाओगे, 20 टोकन पे आप लोग ग्लोबल के स्किन को एक्सचेंज कर पाओगे। ओके, तो आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। मैं गाइस आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको स्पिन करना है तो 400 वाला 2-3 बार स्पिन करो, आपको बंडल मिल जाएगा। तो आई होप कि गाइस यहाँ पे आपको समझ आ चुका होगा। बताना गाइस कमेंट बॉक्स में कि आपको ये बंडल कैसा लगा। एंड गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। सो गाइस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।